ओहो, क्या देख लिया मैंने आज। ओहो, जॉन अबाउ सर, क्या बना दिया आपने, मतलब कि फुलझड़ी को आग बना दिया आपने। तो हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो मैंने ट्रेलर देखी जॉन सर की, स्टारर में रकुल प्रीत और केमिस्ट्री होने वाली है जैकलिन फर्नांडिस की, इनके साथ में जो मूवी बनी है अटैक पार्ट वन, भाई जो ट्रेलर निकली है इसकी और ऑलमोस्ट 1 मिनट 38 सेकंड की, और मुझे मतलब ने इन लोगों से एक थोड़ी सी शिकायत है, इतनी तो आज की टीजर आती है यार, आप लोगों ने ट्रेलर निकाली है 1 मिनट 38 सेकंड की लेंथ है इस वीडियो की, ट्रेलर इतनी नॉट यार, हम लोग फैंस हैं उनके, जॉन अब्राहम सर के, मतलब इतनी छोटी ट्रेलर। और मैं फिल्म मेकर्स के बारे में एक शानदार चीज़ कहना चाहूँगा, क्या फिल्म मेकिंग की है उन्होंने, फिल्म को इतने शॉर्टेज रूप से इसकी जो ट्रेलर रिलीज़ की है, मतलब 1 मिनट 38 सेकंड में इसकी जो ट्रेलर निकाली, कुछ भी आता पता नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक सस्पेंस के साथ में चली गई है ये फिल्म, और ब्लॉकबस्टर होने वाली फिल्म, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी एक्शन पैक्ड नजर आ रही है मूवी। अब बात करते हैं इस मूवी में हमें क्या नजर आता है, ट्रेलर पे हमें क्या देखने को मिला है। तो बात करें इस ट्रेलर की, तो हमें ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिली, मगर जितना भी देखने को मिला है उसके बारे में अगर बात करें, तो फिल्म साफ साफ बता रही है कि जॉन अब्राहम सर एज अ सोल्जर किसी टीम को लीड कर रहे हैं, उस टीम में वो लीड करते हुए किसी रेस्क्यू को, हॉस्टेज को बचाने के लिए गए हुए हैं। और वहां पर ना, जहां पर प्रकाश सर की जो आवाज आती है यार, बैंग, और प्रकाश सर ना मतलब वो खिचड़ी पे वो चीज है, वो आलू मैं कह सकता हूं, मतलब जहां भी पुट कर दो ना वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मतलब ना हर जगह फ्लेक्सिबल है वो किसी भी रोल पे। और क्या उनकी जो आवाज आती है उसके बाद में, और जो सर की जो फर्स्ट डायलॉग आती है, डायलॉग तो उसमें ज्यादा है ही नहीं ट्रेलर पे, फिर भी वो जो डायलॉग आई है वो काफी बेहतरीन लगती है। उसके बाद में लास्ट में जो सुपर सोल्जर के रूप में बताया गया जॉन अब्राहम सर को, वो भी नेक्स्ट लेवल लग रहा है, जहां भी वीएफएक्स का काम है वो भी काफी अच्छा लग रहा है, वीएफएक्स भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है, अच्छी खासी वीएफएक्स लग रही है ट्रेलर पे। उसके साथ में बीजीएम स्कोर भी, मुझे तो एक समय में शुरू में थोड़ा सा बीच में लग रहा था कि लूप पे चल रहा है, पर नहीं, ठीक है, बीजीएम थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। बाकी ओवरऑल जो ट्रेलर है वो काफी छोटी है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मगर जहां तक अभी ट्रेलर देख के लग रहा है कि बैंग ऑन होने वाली फिल्म, और फिल्म काफी बेहतरीन होने वाली है, जो जॉन अब्राहम सर की जो एरा है ना वो इसको जस्टिफाई करने वाली फिल्म, पूरी एक्शन पैक्ड होने वाली थ्रिलर के साथ में ये मूवी होने वाली है। बाकी आप इस ट्रेलर से आपको क्या लगता है, और आपको क्या इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मेरे चैनल पे बने जरूर रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, मेरे चैनल को लाइक शेयर।